बहुत हुआ यार लैपटॉप की अनबॉक्सिंग, आज पीसी बिल्ड करते हैं। इस पीसी का बजट 50,000 है। अगर आप भी 50,000 के बजट में अपने लिए एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ज्यादातर अपने चैनल पे लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आते हैं, बट हमने सोचा कि 50,000 के बजट में एक पीसी बिल्ड करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ताकि भाई आपको पता चल पाए कि 50,000 के बजट में पीसी कैसा परफॉर्म करता है और एक लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है। अपना बजट यहाँ पर 50,000 का रहेगा, इस बजट में हम ये पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए भाई कार्यक्रम शुरू किया जाए। रुको एक मिनट, रुको। अब चलिए बात कर लेते हैं इस पीसी में हमने कौन कौन से पार्ट्स यूज किए हैं। तो सबसे पहले आता है अपना प्रोसेसर। इस बिल्ड में हमने इंटेल का i5-12400 सीपीयू यूज किया है एंड ये काफी तगड़ा सीपीयू है। इसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड मिल जाएंगे और 18 MB की Level 3 कैश मेमोरी मिल जाती है। इस सीपीयू की परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है और इस सीपीयू की रियल परफॉर्मेंस का पता आपको बेंचमार्क्स और गेम प्ले वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है अपना मदरबोर्ड। इसमें हमने Asus का प्राइम B66 प्लस DDR4 मदरबोर्ड यूज किया है एंड ये मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा है इस सीपीयू के लिए। और इस बिल्ड में हमने B66 मदरबोर्ड इसलिए यूज किया है ताकि ये इंटेल के i5-12400 सीपीयू की पूरी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे सके, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो अपने पीसी बिल्ड में H610 जैसा मदरबोर्ड लगा लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से i5 के लिए ठीक नहीं है। इस मदरबोर्ड में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पर आपको M.2 Gen 4 SSD स्लॉट मिल जाएगा। इसमें टोटल 3 SSD स्लॉट मिलने वाले हैं और इस मदरबोर्ड में आपको 4 RAM स्लॉट मिल जाएंगे, USB Type-C पोर्ट मिल जाता है और RGB हेडर भी मिल जाते हैं। इसी के साथ में ये इंटेल ऑप्टेन मेमोरी को भी सपोर्ट करता है। तो ये मदरबोर्ड इस बिल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है और ये इस सीपीयू की पूरी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। अब नेक्स्ट अपने पास है रैम। इस पीसी बिल्ड में हमने XPG की स्पेक्ट्रिक्स D50 DDR4 3200 MHz की ड्यूल चैनल रैम मेमोरी यूज की है और ये भी RGB के साथ में है और ये इस पीसी के लुक को और भी एनहांस कर देती है। और आज के टाइम में आपके लैपटॉप या पीसी में 16 GB की रैम तो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि विंडोज 11 ही 4-5 GB कंज्यूम कर लेता है, तो 2023 में आपको मिनिमम 16 GB की रैम तो लेनी ही है। अब नेक्स्ट अपने पास है SSD। इस बिल्ड में हमने 500 GB की M.2 NVMe SSD यूज की है। बाकी अगर आपको लगता है कि पीसी में स्टोरेज चाहिए आपको, तो भाई आप HDD भी यूज कर सकते हो। इस कैबिनेट में आप 3-4 HDD लगा सकते हो और ये क्रूशियल की P3 मॉडल के साथ में आती है। इसकी रीड राइट स्पीड भी बहुत ही अच्छी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट अपने पास है पावर सप्लाई। इस पीसी को पावर देने के लिए इस बिल्ड में हमने Asus का टफ गेमिंग 550W का PSU यूज किया है और ये 6 साल की वारंटी के साथ में आता है। इसमें आपको 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। पावर सप्लाई यूनिट पीसी का बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत सारे लोग इस चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं, एक चीप सा PSU उठा लेंगे और वो अपने पीसी में लगा देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको पावर सप्लाई यूनिट हमेशा अच्छी ही लेनी है ताकि आपके पीसी के जितने भी पार्ट्स हैं वो कभी भी डैमेज ना हो। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड का PSU कंसीडर करो ताकि आपका पीसी हमेशा सेफ रहे। अब इस बिल्ड का लास्ट पार्ट है अपना ये कैबिनेट। ये एडेटा XPG डिफेंडर है। इसमें आपको फ्रंट की तरफ मैग्नेट अटैच्ड मेश मिल जाती है, जिसको आप इजीली रिमूव और इंस्टॉल कर सकते हो। और फ्रंट में आपको डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है, ये काफी यूजफुल है, डस्ट वगैरह को अंदर नहीं जाने देगा। इस कैबिनेट का एक खास फीचर है, इसमें आप वर्टिकल में भी GPU माउंट कर सकते हो और लेफ्ट साइड में आपको पूरा का पूरा टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। कैबिनेट के टॉप पर भी आपको मैग्नेट अटैच की हुई मेश मिल जाएगी। इस कैबिनेट का एयर सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये है अपना कैबिनेट और ये बहुत ही अच्छा लुक ऑफर करता है। अगर आप भी अपने लिए व्हाइट थीम बेस्ड पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए अब इसको जल्दी से बिल्ड कर लेते हैं।
पीसी को जल्दी से बूट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि ये पीसी कितने टाइम में बूट होता है। ये पीसी काफी फास्ट है, विद इन 15 सेकंड में ये बूट हो जाता है। अब चलिए इस पीसी के कुछ बेंचमार्क्स वगैरह देख लेते हैं ताकि आप ये जज कर पाओगे कि ये पीसी कैसा परफॉर्म करता है। Cinebase R23 के सिंगल कोर में ये पीसी 1681 का स्कोर गेन करता है, Cinebase R23 के मल्टी कोर में 12029 का स्कोर गेन करता है और Geekbench 5 के सिंगल कोर में 1705 का स्कोर गेन करता है और मल्टी कोर में 7997 का स्कोर करता है। अब बारी आती है आप सबके फेवरेट पार्ट गेम प्ले की। पीसी बनाए और गेम्स ना खेले ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पीसी में हमने कोई भी ग्राफिक्स कार्ड यूज नहीं किया है बट ये पीसी आपको कैजुअल गेमिंग करवा देगा। मैंने इस पीसी में ओनली GTA 5 रन किया है और कोई भी गेम रन नहीं किया क्योंकि गाइस वैसे भी ये एक प्रोडक्टिविटी पीसी है। 1080p के नॉर्मल प्रीसेट में 40 से 50 FPS देगा जो कि इंप्रेसिव है क्योंकि भाई बिना ग्राफिक्स कार्ड के इतने FPS दे रहा है। जैसे ही आप 1080p रेजोल्यूशन की हाई सेटिंग्स पे मूव करते हो तो यहाँ पर आपको 30 FPS कॉन्स्टेंटली मिलने वाले है। CPU टेम्परेचर भी अंडर कंट्रोल था और इस बिल्ड में हमने ओनली इंटेल का स्टॉक कूलर ही यूज किया है तो आप समझ सकते हो यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही ऑसम रहेगी। अगर आप इस पीसी में एक ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि इस पीसी में हमने अच्छा खासा पावर सप्लाई यूज किया है और ये आराम से RTX 3060 जैसा GPU हैंडल कर लेगा। बाकी देखो अगर आपका भी बजट 50,000 है और आपको अपने नॉर्मल यूजेज के लिए एक पीसी बिल्ड करना है तो आप i5 12th जनरेशन के साथ अपना पीसी बना सकते हो और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। इस टाइप के पीसी पे आप फोटोशॉप रन कर सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे काम कर सकते हो और अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्नैपी है और रिसेंटली जो मेरा वीडियो था उसका पूरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट किया और ये CPU इसको इजीली हैंडल कर लेता है। टाइमलाइन स्क्रॉलिंग भी काफी स्मूथ है, आप खुद देख सकते हो एंड बिलीव मी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। बाकी आप सभी जानते ही हो अगर आपको हेवी लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको एक ग्राफिक्स कार्ड की नीड पड़ेगी। तो ये था इस पीसी का कंप्लीट वीडियो। आप भी 50,000 के बजट में ये वाला पीसी बना सकते हो और इस बिल्ड में जितने भी पार्ट्स हमने यूज किए हैं उन सभी पार्ट्स की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। और आपको भी अपने लिए एक पीसी बिल्ड करवाना है तो आप हमें इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके लिए पीसी बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।